जहां चुनाव होके वहां कोरोना नहीं, और जहां किसान आंदोलन करता है वहां कोरोना जान। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर पड़े हुए किसी एक किसान को कोरोना नहीं हुआ, चारों तरफ बॉर्डर पर पड़े किसी एक किसान को कोरोना नहीं हुआ। कैसे ये सारी बात बर्दाश्त करी जाए, क्या ये सब बात बर्दाश्त करने योग्य है कि आपके अगर तीन जगह खेत हैं, तीन गांव में खेत हैं, और आपका एक गांव लगा हुआ एक सेंटर पे, दूसरा गांव दूसरे सेंटर पे, तीसरा गांव तीसरे सेंटर पे है, तो ये आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी कि आप तीन जगह लेके जाएं। आपका गेहूं तीनों गांव का एक ही जगह पे तुल जाएगा, चाहे वो गांव वहां संबद्ध है या नहीं, लेकिन एक गांव उसमें से कोई सा संबद्ध होना चाहिए उसमें। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। कुछ किसान अपनी गेहूं की फसल और गेहूं खरीद केंद्र से संबंधित कुछ समस्याओं को लेकर आज जेवर के तहसील प्रांगण में एकत्रित हुए। दरअसल भारतीय किसान यूनियन टिकैत के अनेक किसान आज अपनी मांगों को लेकर जेवर तहसीलदार कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए और अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। देखो, हमारे तहसीलदार साहब महोदय आ गए, उसको कानून के बारे में ज्यादा जाने, हमारे साथियों को बता रहे कि ये थोड़ी देर पहले धारा 144 लग रही है, तुमने किसकी परमिशन से यहाँ आके बैठ गए। अरे हम तो ये समझ रहे हैं कि देसी हमारा है, अन्नदाता ही हमें। तहसीलदार साहब, आपको आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं, आप हमारी तहसील में नौकर हैं, ये तहसील हमारी है आपकी नहीं। कितने तहसीलदार आए और कितने गए, हम यहाँ हैं और हम ही रहेंगे। मेरे हिसाब से इस तहसील में घंटा आध घंटा बैठ गए, आप तीनों ही अधिकारी हो, नायब तहसीलदार साहब भी हैं, तहसीलदार भी है, एसडीएम भी है, जहां पर बाढ़ डाना आ चुका है, गेहूं पड़ा है, वहां चालू क्यों नहीं हो रहे। मैं किसी चीज को गंभीरता से लो। दूसरी बात, तहसीलदार साहब कह रहे भैया 142 लगी हुई है, तो तहसीलदार साहब ये बता दो जिले में 142 कौन सी जगह बनी है, किसान अपनी समस्या को कहने के लिए जाएगा या नहीं जाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत के श्री महेंद्र सिंह चौरोली जी हमारे साथ हैं। ताऊ जी, आज क्या समस्या रही, क्या किस कारण से आज इकट्ठा हुए यहाँ पे? मैं समस्या थी गेहूँ तुलने के संबंध में जी। क्योंकि एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एमएचपी है, एमएचपी थी, एमएचपी रहेगी, हमारे जिले में एक भी क्रय केंद्र अभी चालू नहीं हुआ है। पिछले साल हमारे यहाँ 30 क्रय केंद्र थे पूरे जिले में, अब के उन्नत काट के 22 कर दिए हैं, 22 भी चालू नहीं किए अब तक। तो उस चीज की बात थी, अब एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया है कि आज जो 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 केंद्र हैं वो तो चालू आज से हो जाएंगे, आज से क्रय केंद्र चालू हो जाएंगे जो लगने, क्योंकि तहसील के जुम्मे 4 केंद्र आए, जो 8 नहीं है उनमें 4, वो अगले 4 दिनों में 4 को चालू करवा दूंगा। एसडीएम साहब ने ऐसा आश्वस्त करके भेजा हमको, और ऐसा नहीं हुआ तो हमने उनसे बता दिया 5वें दिन फिर सीधा किसान ट्रैक्टर टेली भर के तहसील में ही लाएगा। तो ये एक बात मैं जानना चाहूंगा, देखिए आप लोग वरिष्ठ नेता हैं, किसान यूनियन किसानों की बात रखते हैं, हम लोग नोएडा में रहते हैं, और नोएडा के किसान की समस्या अगर किसान के सामने आ रही है तो ये बड़े अफसोस की बात मैं ऐसे मानता हूँ। 6 महीने तक किसान फसल की तैयारी करता है, उसके बाद जब फसल बेचने का नंबर आता है तब उस वक्त उसके सामने उसे बेचने की समस्या आती है, तो ये समस्या सॉल्व क्यों? अगर नोएडा के किसान के सामने भी ये समस्या है तो बाकी किसानों का क्या हाल होगा? मैं अपने क्योंकि मेरे घर में भी किसान है, मैं भी किसान परिवार से हूँ, ये समस्या वाकई में है। क्यों अभी चलो मान लें गेहूँ खरीद शुरू हो जाएगी, फिर वारदाना खत्म है, लेबर नहीं है, तो ये एक ऐसी समस्या है जो हर साल आती है, फिर भी इनका सॉल्यूशन नहीं हो पाता, क्या कहेंगे इस बात? इस साल और ज्यादा आएगी। जो 3 कानून बने उनका प्रभाव दिख रहा है मार्केट में, एमएसपी से रेट मार्केट में कम है, आज भी 1400-1500 ले रहे हैं गेहूं को मार्केट में, इसीलिए ये एक उन मुद्दों का, वो जो 3 काले कानून है उनका पूरा असर है, और पूरे देश में ये सर, क्योंकि जब पूंजीपति टोटल नाज अपने भंडारों में भर लेगा उसके बाद में अपने रेटों पर निकालेगा 6-7 गुने पे, जब सीजन आएगा वो नाज पक के आएगा, थोड़ा सा अपने गोदाम में से बाहर निकाल देगा तो मार्केट के रेट एकदम डाउन हो जाएंगे, फिर वो व्यापारी पूरा पूरा ले लेगा, मार्केट में किसी और के पास गल्ला नहीं छोड़ेगा एक दाना भी। और आज तो इतना बड़ी मतलब घपलेबाजी होने जा रही है, सस्ते में व्यापारी ले रहे हैं,
फिर दो दिन चार दिन छह दिन आठ दिन बाद ये किन्नी केंद्र चालू होंगे, वो व्यापारी के गेहूं तुलेंगे किसान ना किसान के तुल के, और हाँ और एक हल्ला मचेगा, ये मैसेज देंगे कि हाँ हमने किसान का इतना तोल दिया, इतनी खरीद कर ली, जब किसान को उसका कोई भी लाभ नहीं मिलना है। ये जो छोटे छोटे व्यापारी हैं ये स्टॉक करेंगे अपना और फिर इन्हीं सेंटर पर भेज देंगे, इस तरह का बहुत बड़ा घोटाला है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। तो उन सबसे बचने के लिए सीधा किसान को लाभ मिले उसके लिए एक आज छोटा सा प्रदर्शन था हुआ है। किसानों की इन समस्याओं को लेकर यह विरोध प्रदर्शन काफी समय तक चलता रहा। इसी बीच जेवर तहसीलदार तथा जेवर SDM रजनीकांत पांडे किसानों के बीच बैठे रहे और उनकी समस्याएं सुनी, साथ ही किसानों की समस्याओं को शीघ्र निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। 13 सेंटर हमारी तहसील में खुले हैं, उस 13 सेंटर के सापेक्ष गांव संबद्ध कर दिए गए हैं कि कौन से गांव किस सेंटर पे जाएंगे, एक तो ये है। दूसरा, जो गेहूं का सत्यापन होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और सत्यापन के बाद ही खरीद होती है, ये शर्त सिर्फ उन गांवों के लिए है जो या तो चकबंदी में है या जो सर्वे में है, या फिर ऐसा है कि जिसका 100 क्विंटल से ज़्यादा बेचने जा रहा है कोई किसान, उसका सत्यापन SDM के स्तर से होना है। बाकी 100 क्विंटल से नीचे अगर कोई बेचना चाहता है तो उसके लिए सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। एक मामले में और सत्यापन की आवश्यकता पड़ रही है, वो ये कि अगर आपका आधार कार्ड में नाम कुछ और खतौनी में नाम में अंतर है, जैसे अगर मान लीजिए आधार कार्ड में आपका हुकुम चंद है और खतौनी में हुकुम सिंह है, तो ऐसे जहाँ अंतर आ रहा है वो भी सत्यापन के लिए हमारे पास आ रहा है। कल तक हमारे पास 400 के आसपास आए थे, हमने सबका सत्यापित करके भेज दिया है जो नाम वाले थे। खतौनी में जो 100 क्विंटल से ऊपर वाले लोग हैं उनका सत्यापन लगातार चल रहा है, ऑनलाइन सत्यापन करके हम भेज देते हैं, संबंधित सेंटर पे चला जाता है, वहाँ से टोकन जारी होता है, ये प्रक्रिया है इसकी। दूसरा, एक समस्या और आ रही है किसानों के साथ जो मेरे संज्ञान में आई है, वो ये थी कि बटाईदार का क्या करें। जैसे आपके पास अपने नाम का खेत तो है 20 बीघे, लेकिन आपने 20 बीघे बटाई पर ले रखा है, तो अपनी खतौनी के हिसाब से आपका 20 बीघे की रजिस्ट्रेशन हो रहा है आपका। बटाईदार के लिए ये है कि बटाईदार की लिखित सहमति चाहिए, लिखित सहमति सादे कागज़ पर भी हो सकती है, किसी भी चीज़ सादे कागज़ पर लिखा हुआ जिसके नाम से खेत है वो अपनी सहमति दे देगा कि फला खसरा नंबर फला गांव का इतना रकबा है, वो हमने इनको बटाई पे खेती के लिए दिया हुआ है, उस पर आप दोनों के साइन होने चाहिए, यानी खेत वाले के साइन और बटाईदार के साइन। वो साइन अगर दोनों के होंगे उसके आधार पे आपका बटाईदार वाला गेहूं भी उस पे सेंटर पे बिक सकता है, लेकिन बटाईदार के लिए ये कागज़ ज़रूरी है जो सहमति पत्र किसे कह रहे हैं। तो बटाईदार के लिए आपकी ये प्रक्रिया रहेगी। दूसरा ये है कि कुछ ऐसा भी है कि आपके अगर 3 जगह खेत हैं, 3 गांव में खेत हैं, और आपका एक गांव लगा हुआ एक सेंटर पे, दूसरा गांव दूसरे सेंटर पे, तीसरा गांव तीसरे सेंटर पे है, तो ये आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी कि आप 3 जगह लेके जाएं, आपका गेहूं तीनों गांव का एक ही जगह पे तुल जाएगा, चाहे वो गांव वहाँ संबद्ध है या नहीं, लेकिन एक गांव उसमें से कोई सा संबद्ध होना चाहिए उस पर। तो जो नियरेस्ट आपका होगा उस पर आप जा करके अपने तीनों गांव का गेहूं तौल सकते हैं जहां आपका संबद्धीकरण है किसी का। ये दो स्थिति इसकी है। गेहूँ क्रय केंद्र चालू होने की जहाँ तक स्थिति, जैसे मैंने बताया 13 सेंटर हमारे पास हैं, 13 सेंटर में से गेहूँ खरीद हमारी शुरू है। आज आप चाहें तो जेवर वाला जो हमारा ब्रांच है मार्केटिंग वाला, उस पर खरीद चल रही है, बाकी सब जगह बारदाना आ चुका है, सारी व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, कल सवेरे से आप अपना गेहूँ ले जा सकते हैं, और ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, गारंटी देता हूँ कि कल सवेरे आप ले जाइए गेहूँ, आपके खरीदा जाए। अभी जो साहब ने तीसरी बात कही थी कुछ सेंटर्स की, पिछली बार UP एग्रो के सेंटर थे जिनको कि वहाँ से किसानों और सरकारी अधिकारियों के बीच इन समस्याओं को लेकर काफी देर तक बातचीत का दौर चलता रहा, जिसके बाद लगभग 1 बजे के करीब यह प्रदर्शन समाप्त हुआ। तुषार शर्मा के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेबर प्रेस के लिए।